अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। तो गाइस, आज का मैच थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि ग्रैंड मास्टर कोहली हाल डॉबी आई हुई है। तो अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर सेट कर लो। ओके गाइस, हम लोगों ने लूट वगैरह कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक बंदा सैयद गेमर, ओहो दूसरा भी नॉक, तीसरा भी फुल डैमेज, तकरीबन एक आधी गोली से बचा पूरा स्क्वाड है इनका। पैराफिल और थम्सर मिली है, 45 हो चुकी है 42 से, क्योंकि बंदे रिवाइव हो रहे हैं। हार्ड लो भी कहीं होता है, एक आधा बंदा मरता है तो बाकी जो बंदे उनको रिवाइव करा लेते हैं। पहले यहाँ पे दो तीन ग्रेनेड फेंके भाई हुक करके, बगैर हुक के भी फेंके, बट यहाँ पे डैमेज एक को पड़ा है थोड़ा सा 40। अरे कोई, ये तो सीजन 7 है यार। चलो सीजन 7 गया भाई, इसको बॉडी बॉडी में निपटा दिया जोया स्कूल को। और इसके साथ इसका स्क्वाड था ना एक और बंदा, ओ भाई साहब थॉमसन ओनली खोपड़ी तोड़ शॉट, एक और बंदा। अरे अरे ये भगवान क्या, ये ज्यादती है भाई, ये दोनों खेल वेस्ट हो जाने। अभी बंदे ऊपर चेक करो, 45 से सीधा 46 टू 47 हो चुके हैं, अपने दो किल जो है ना वेस्ट हो चुके हैं। तो अगेन रिवाइव होके मिलते हैं भाई, किसी ने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो, बैड लक थोड़ा सा रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, हम लोग रिवाइव होके दोबारा से आ चुके हैं। यहाँ पे एक बंदे लूट कर रहे हैं, ओ भाई साहब मीर हेयर को यहाँ पे क्या ही खोपड़ी तोड़ हेड शॉट पड़े भाई। मीर हेयर को किल कर दिया, इसके साथ दो किल हमारे कन्फर्म हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि इसने जोम्बी को किल करा था। तो जोम्बी को किल जो करा है उससे बहुत ज्यादा इसको लूट मिली थी, वो लूट भी हम लोगों ने कर लिए। लेवल 4 का बेस्ट फील था लिया है, एक अदर रिपेयर किट मार लेते हैं। ओके इस साइड पीछे की साइड एक और बंदा आ चुका है। अरे भाई सलमान को यहाँ पे काफी अच्छा बॉडी स्प्रे M60 के साथ, और इसके साथ अपना तीसरा किल जो है वो भी कन्फर्म हो चुका है। ऊपर की साइड राइट पे पीक के ऊपर बंदे हैं और एक आधा पीछे की साइड है। चलो वो तो क्या, अरे भाई 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 इतनी देर में भाई पीछे वाले बंदे ने हम लोगों को निपटा दिया। बट कोई ना, यहाँ पे टीम मेट जो अल्ट्रा प्रो मौजूद है, अल्ट्रा प्रो के जिसके मैंने मैं आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, काफी अच्छा सर्वाइवर है भाई। इसकी सर्वाइवर की बात करें तो अलग ही लेवल, पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स के सर्वाइवर है ना उनसे इनका मुकाबला करें तो शायद ये जीत जाए, क्योंकि इनका सर्वाइवर लेवल जो है ना बहुत हाई है। काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पे हम लोगों ने जो नॉक करा है इसको फिनिश कर लेते हैं। चलो जो नॉक करा था उसको फिनिश करते हैं, हमारे 4 के लिए यहाँ पे डन है। 34 यहाँ पे बंदे अलाइव है भाई, अभी तक 34 to 35 यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिवाइव हो रहे हैं। यही होता है ग्रैंड मास्टर लॉबी में, एक आधा बंदा अगर गलती से भी मर जाए तो बाकी टीममेट पहले उसको रिवाइव पे लग जाते हैं, बाद में किल वगैरह करते हैं। और बंदा हो ये नॉक हो जाएगा क्योंकि इसके सोने लग गए थे, टायर यहाँ पे नॉक हो चुके। चलो कंफर्म, पीछे से एक और बंदा आ चुका है भाई साहब। चलो अल्ट्रा पिरो ने यहाँ पे काफी अच्छा कवर दिया है, तो इसका किल उसने ले लिया है और यहाँ पे हमारे तो 5 डन हो गए, बट स्टिल यहाँ पे 33 बंदे अलाइव हैं। तो गाइस इस झुंपड़ी के पास एक बंदा था जिसको हमने काफी अच्छा डैमेज दिया था, MP47 में मशीन गोली है 100 गोली। तो अगर ये बंदा यहाँ पे, और भी भाई साहब यहाँ पे ही है, मुझे लगा था शायद वो उस साइड के ऊपर चला गया, ग्लू वॉल नजर आ रही थी पीछे की साइड, बट ये बंदा पिटने वाला है भाई। 6 डन है, ऊपर चेक करो 13 बंदे अलाइव और सारे तकरीबन पीक के ऊपर ही घूम रहे हैं, क्योंकि जोन अभी पीक के ऊपर बना है। वे बंदा अभी देखो पिटने वाला है, इसने लाइक नहीं करा, जल्दी से कर दो। ओहो दो तीन शॉट दिया भाई, एक अच्छा NND को हेड शॉट और इसके साथ इसका किल भी कंफर्म हो चुका है। तो 7 के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे कंफर्म हो चुके हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे लास्ट जोन है, गाड़ियाँ वगैरह चेक कर सकते हैं। हर बंदे ने अपनी जो गाड़ी संभाली हुई थी वो अपने पास रखी हुई है, ताकि थोड़ा सा अगर दूर जाना पड़े तो गाड़ी के अंदर बैठ के जाए। ओहो सैयद गेमर का यहाँ पे हम लोगों ने मशीन गन से एक और किल ले लिया है, इसके साथ 8 किल डन हो चुके हैं। अभी 3 बंदे अलाइव हैं और भाई साहब 3v3 है। अल्ट्रा पिरो को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, उनका भी एक नॉक। तो सामने की साइड बात की जाए तो सिर्फ 2 ही बंदे अलाइव हैं, एक तो नॉक कर दिए और ये रिवाइव कराते हैं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला सीन होने वाला है, क्योंकि जिसको हमने मारा है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर लग रहा था नेम से, ग्रैंड मास्टर का हो सकता है। क्या यहाँ पे रेड लॉफर को हम लोगों ने नॉक करा, चलो इसका तो किल ही कन्फर्म हो चुका है भाई। 100 गोली और उसके ऊपर 100, वो अलग ही चीज़ है भाई, उसका भाई मारने का जो स्टाइल है ना और डैमेज है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे इसकी एमो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने टीममेट्स को बोला था थोड़े से आगे की साइड ग्लूअल डाल दो ताकि मैं थोड़ी सी एमो उठा लूँ और इनको रश नहीं करना, बट टीममेट जो छोटा ढोन है ना उसने अपनी करी और यहाँ सामने जाके उसको अपना किल दे दिया है। चलो यहाँ पे 2-3 ग्रेनेड फेंके थे, एक से तो किल रेड क्रेजी का मिल चुका है। लास्ट ही प्लेयर अपलोते बचे हैं, जितने ग्रेनेड जो कुछ फ्लैशर सब कुछ हम लोगों ने इसके ऊपर मार दिया था। बंदा बाहर आता है तो पिटेगा भाई, और भी भाई थोड़ा सा बच गया है थे। चलो यहाँ पे रेड आदिल को नॉक एंड फिनिश और इसके साथ अपना भुया और शुगर डन 11 किल के साथ। आप ही के लिए इतना ही लाइक एंड शेयर मारना, मिलते हैं नेक्स्ट। टाटा भाई, अपना ख्याल रखना।